तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कराची के मशहूर बन कबाब वाले एंग्री बर्गर। तो आइए देखते हैं ये अपने लजीज बन कबाब किस तरीके से बनाते हैं। क्या कर रहे हैं यार आप? सर बर्गर बना रहा हूँ। अच्छा, तो किस तरह से बनाते हैं अपना बर्गर आप बता? आप देख रहे हैं माशाल्लाह। भाई हमारे स्पेशल बर्गर तो तैयार हो रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं फुल केचप वेचप मसाले डाल रहे हैं, फुल अंडा तल के डाला जा रहा है। मतलब यार अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। यार अब आगे देखते हैं और क्या क्या डालते हैं ये अपने बर्गर के अंदर। तो भाई सारे बन कबाब तैयार हो चुके हैं, अब बारी है इनको पैक करने की। इधर बैठ के खाने का भी इंतजाम है या आप पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर का सेटिंग अरेंजमेंट बड़ा VIP है और अमूमन हर वक्त यहाँ लोगों का हुजूम रहता है। तो आइए लेते हैं इनके ही कस्टमर से इनका रिव्यू। हाँ भाई क्या खा रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा। सुना आपने, इनके कस्टमर्स को भी बन कबाब काफी मजे का लगा। तो आइए जानते हैं इनके बन कबाब की कहानी इनके ओनर की जुबानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी ऐसी क्या खासियत है कि इधर बहुत कस्टमर आते हैं? इधर क्योंकि हमारे जो कबाब है वो चने की दाल का है, प्योर चने की दाल का बना हुआ है, जैसे और लोगों पे जो होते ना वो चने की दाल नहीं होती है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी है मेन आयशा मंजिल। मेन आयशा मंजिल के बैक साइड पर आएंगे 7 नंबर आता है, ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया। सिवा आपने बन कबाब रखे हुए या कुछ और भी रखा हुआ है? नहीं, हमने पहले रखा था, फास्ट फूड भी रखा था, माशाल्लाह चल भी रहा था, पर लोगों की जो ज्यादा डिमांड है ना हमारे पास अंडे वाले बर्गर की है। क्या प्राइस है आपके अंडे वाले बर्गर के? हाफ अंडा 80 का है और फुल अंडे वाला जो है वो 100 का है। याद रखें बर्गर में जो सबका बाप है वो एंग्री का बन कबाब है। तो भाई बातें बहुत हो गई, इट्स टाइम फॉर माय रिव्यू। शानदार सैलेड डली भी है और इनकी जो कबाब है ये लोग खुद बनाते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत जूसी बन कबाब है और कराची का सबसे फेमस बन कबाब है। इसमें चटनी की जरा भी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सॉस सारी डली हुई है। सो इट्स रिकमेंडेड, आएँ और खाएँ। लास्ट